नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता। अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। इसी सुशांत सिंह राजपूत की सेकेंड डेथ एनिवर्सरी आ रही है 14 जून को, एंड 14 जून 2020 जब मेरे भाई की जान ली गई, दर्दनाक मौत दी गई उसे, तब एक लड़की सामने आई। मैं अपनी बात नहीं कह रही, मैं तो शायद दूसरे नंबर पे होंगी, लेकिन एक लड़की सामने आई जो बॉलीवुड से ताल्लुकात रखती है, और उसने चीख चीख के नेपोटिज्म और माफिया और बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो बॉलीवुड के अंदरूनी बातें थी, अंदर की बात है बिडू, उन सब बातों को रिलीज करा, रिवील करा, और अपने लिए बटोरी बहुत सारी सहानुभूति, बहुत सारा स्टारडम, बहुत सारी पब्लिसिटी। यस, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट कंगना रनौत। इस लड़की ने, इस बदतमीज बेशरम लड़की ने हमारे भाई का नाम ले लेकर इतने पैसे कमा लिए होंगे। और हाँ, किसी ने कल कमेंट किया मुझे, आप कंगना से जलती हो, आप भी तो व्यूज कमाती हो, आप भी तो यूट्यूब पे पैसे कमाती हो। क्या आपको पता है मैं यूट्यूब पे कितने पैसे कमाती हूँ, कितने पैसे आते हैं या नहीं आते हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं? पहले जानकारी ठीक से लीजिए, उसके बाद मुझ पर बात बनाइए। और मैं जलूं, मैं उसे अपनी आइडल मानती थी, उसे बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन जैसे कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि उसने मेरा पूरा रिस्पेक्ट खो दिया। एंड थैंक यू टू ऑल द पब्लिक, जो अच्छी जनता है, जो एसेसारियंस है, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूं, क्योंकि मेरी बातें या मुझ जैसे लोगों की बातें सुनकर अल्टीमेटली धाकड़ कि क्या धाकड़ पिटाई हुई है। यस, 20 मई को यानी कि आज धाकड़ रिलीज हुई। एंड जानते हैं हंसी की बात क्या हुई? हंसी 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 मजा आ गया यार। धाकड़ की सारी बुकिंग कैंसिल हो रही है, सारी की सारी जो शो मतलब जो सिनेमा हॉल्स हैं उनमें बुकिंग जो भी थी वो कैंसिल हो रही है, शोज कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं, लोग धाकड़ जैसी मूवी देखने नहीं आ रहे हैं। और धाकड़ देखने इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम जैसे जो शिद्दत से जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उनकी फुहार आप सबने सुनी, जनता ने असली बातों का ध्यान रखते हुए इस मूवी को और कंगना रनौत को फाइनली बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। एंड ये भी हमारे लिए जस्टिस है, क्योंकि जो जो इंसान मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को मजाक बनाने के लिए तुला हुआ है ना, उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे हम। और कंगना रनौत की भी ऐसी की तैसी शुरू हो चुकी है। कंगना रनौत सबकी नजरों से तब से गिरने लगी है जब से उसने लॉकअप जैसी गंदी अश्लील एक प्रोडक्शन में अपना एंकरिंग का डेब्यू करने की सोची। उसे लगा कि बॉलीवुड में उसका नाम नहीं हो पाएगा तो कम से कम ऐसे काम कर लूं, एकता कपूर के साथ हाथ मिला लूं, सलमान खान की ईद पार्टी में जाकर बिरयानी खा लूं तो मुझे काफी कुछ फायदा हो जाएगा। सलमान खान ने उस ईद पार्टी के बाद एक ट्वीट करा, ट्रेलर दिखाया धाकड़ का, अच्छी अच्छी बातें लिखी, जिसपे ट्वीट के बदले आंसर भी आया कंगना का कि थैंक यू भाईजान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं बॉलीवुड में अकेली नहीं हूं। क्यों, तुम तो बॉलीवुड में अपना हिस्सा ही नहीं मांगती थी, तुम तो ये कहती थी कि बॉलीवुड में मैं नहीं हूं, मुझे किसी ने अपनाया नहीं है, मैं तो अकेली हूं। तो ऐसा क्या हुआ कंगना जो तुम रातों रात बदल गई, जो तुम्हारा ईमान बदल गया? तुम कहती थी कि वो लोग लायक नहीं है और अचानक से तुम बॉलीवुड के लोगों के साथ मिल बैठी, और उन लोगों के साथ मिल बैठी जिनके लिए तुम बहुत सारी बातें बनाती थी, नेपोटिज्म, माफिया, बैनिंग ऑफ गुड पीपल, बैनिंग ऑफ द ग्रेट एक्टर्स। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तुमने कितनी अच्छी अच्छी बातें करी, कहा एकता कपूर ने उसे बैन करवाया, सलमान खान ने उसे बैन करवाया, एकता कपूर ने कॉन्ट्रैक्ट का वास्ता देकर उसे ऊंचाइयों तक नहीं जाने दिया, उसे काफी मूवीज नहीं करने दी, ये सब तुम्हारा ही कहना था ना? और तुम इतनी नीच, इतनी बेशरम, इतनी बेहुदी हो
कि तुमने उन लोगों के साथ ही हाथ मिला लिया, और तुम्हें कैसे ये लगा कि हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, मानती हूँ कि कुछ 10% जैसे और भी गधे गधी है जो तुम्हारे नाम की माला आज भी जप रहे हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें नॉलेज नहीं है कि तुम किस तरह की मौका परस्त लड़की हो। छी, तुम ऊपर जाओगी क्या मुंह दिखाओगी, तुम ऐसी औरत निकली, तुम ऐसी लड़की निकली। छी यार, बहुत 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 अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दैट आई हेट यू, आई रियली हेट यू, एंड आई एम सो हैप्पी दैट एवरीवन, सारी दुनिया अब तुम्हारी धाकड़ मूवी क्या कोई भी चीज बॉयकॉट करेगी। अब तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी इंसानियत जो मिट चुकी है वो वापस नहीं आएगी। कंगना, यू आर फिनिश्ड कंगना। बहुत अच्छी बात है कि भगवान इसी दुनिया में कर्मों का फल देते हैं, और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें इसी दुनिया में मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, और ये शुरुआत हो चुकी है। वी हैव स्टार्टेड बॉयकॉटिंग यू, एंड जिन्होंने नहीं किया है वो कर दीजिए। बॉयकॉट धाकड़, बॉयकॉट कंगना रनौत, हैशटैग बॉयकॉट धाकड़, हैशटैग बॉयकॉट कंगना रनौत, शी इज अ बैकस्टेबर, हैशटैग प्लीज कंगना रनौत को पूरी तरह से बॉयकॉट करके उसकी औकात दिखाइए, उसकी औकात दिखाना अब जरूरी है। यही तक था आज की अपडेट का सफर। अगर आपको इन सब बारे में और कुछ जानना हो तो साथ दीजिएगा, सहारा चाहिए नहीं मुझे, और मैं पहले दिन से चिल्ला चिल्ला कर जीत पाने की, यानी कि जस्टिस पाने की फुहार दे रही हूं, और यही करती रहूंगी जब तक मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत को उसका इंसाफ नहीं मिल जाता, और दिशा सल्यान को भी। सीबीआई शेमलेस, पुलिस शेमलेस, आप लोग सब रोहन राय के आने के बावजूद उसको इंटेरोगेट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही घटिया बात है। एक बात तो आपको बताना भूल ही गई, नवाब मलिक बहुत कर्मों का फल भुगत रहा है, तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने किडनी की इलाज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है, देखते हैं बचेगा कि नहीं। भ्रष्टाचारी वैसे भी नहीं बचते, वो जिंदा हो या मर गए हो वो भ्रष्टाचारी ही कहलाते हैं। बहुत जल्द उद्धव ठाकरे और उसका पिल्ला, यानी कि उसका पिल्ला आदित्य ठाकरे भी ऐसे ही कर्मों के फल पाएगा। ये कर्मों की दुनिया है, कर्म अच्छे करोगे तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, वरना भगवान एक बार डोरी ऐसे करता है ना, आपकी औकात दिखा देता है, और वही हो रहा है, हमारी जीत की शुरुआत हो चुकी है। आगे की खबरें अब तक पहुंचाती रहूंगी, साथ दीजिएगा, तब तक वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद।